हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर संक्षेप में लेकर के आई हूं। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाएं आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में दो नई लाल समुद्री शैवाल प्रजातियों की खोज की गई है। ठीक है, अभी हाल ही में भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में दो नए लाल समुद्री शैवाल प्रजातियों की खोज की गई है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अभी हाल ही में कौन से देश में समुद्र तटीय क्षेत्रों में दो नए लाल समुद्री शैवाल प्रजातियों की खोज की गई है। तो ये अभी हाल ही में अपने देश भारत में समुद्र तटीय क्षेत्रों में दो नए लाल समुद्री शैवाल प्रजातियों की खोज की गई है। अगला है हमारा कि आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की जो डेट है उसको एक्सटेंड कब तक करा गया है। तो आपको लिखना होगा 30 जून 2021 तक, यानी कि 30 जून 2021 तक। अगला है, सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो अभी हाल ही में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में ऐसे कौन से अभिनेता हैं जिन्हें अभी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो वो सुपरस्टार रजनीकांत हैं। ठीक है, सुपरस्टार रजनीकांत को भी हाल में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश जो कि MP जहाँ पे खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन से राज्य में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश के खजुराहो में। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन कि प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है उसको मैंने आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाया था कि अभी हाल ही में जो गायिका आशा भोसले हैं उन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो अभी हाल ही में उन्हें सम्मानित कर भी दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।